Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss about tools of research. In tools of research, first we will discuss about reliability and validity. Okay, first we will be discussing about reliability. Reliability relates to the consistency of measure. Consistency means क्वालिटी ऑलवेज हैविंग सेम स्टैंडर्ड और ओपिनियन. ओके, जो भी किसी भी चीज़ को जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जो मेजरमेंट करने जा रहे हैं, वो जो है एक हमेशा स्टैंडर्ड ओपिनियन शो करे या सेम स्टैंडर्ड पर जो है उसका मेजरमेंट जो है वो मतलब रिलायबल रहे और आंसर हमेशा एक्यूरेट आए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंटली हैज द सेम रिजल्ट इफ इट इज यूज इन सेम सिचुएशन ऑन रिपीटेड ओकेजन. मीन्स रिसर्च में किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम लेते हैं, उसको अगर हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो उस एक्सटेंट तक हम उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं जब तक कि हमें सेम रिजल्ट एक्यूरेट स्टैंडर्ड का जो है मेजरमेंट ना मिल जाए. और फिर चाहे हम उसे सेम सिचुएशन में बार बार रिपीटेडली चेक करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो रिलायबिलिटी जो टेस्ट है वो वैलिड आए. ओके, इसको देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इफ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड सैंपल सेवरल टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस थ्रू थर्मोमीटर, अगर हम थर्मोमीटर से किसी लिक्विड का जो है टेम्परेचर सेम आइडेंटिकल कंडीशन में जो है बार बार उसको मेजर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है? द थर्मोमीटर डिस्प्लेज द सेम टेम्परेचर एवरी टाइम. क्यों? जो थर्मोमीटर है वो सेम टेम्परेचर क्यों डिस्प्ले कर रहा है एवरी टाइम? बिकॉज आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीटेडली हम बार बार उसी सिचुएशन में टेस्ट कर रहे हैं, जिससे उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेट आ रही है. सो द रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड द रिजल्ट भी जो है वो रिलायबल आ रहे हैं. अंडरस्टैंड? Now we will discuss about types of reliability. Types of reliability has two types, internal और external. यहाँ पर हमने इसको internal और external में divide कर दिया है इसको easy करने के लिए. Extent to which a measure is consistent within itself. इसमें जो है measurement होता है test का आपस में ही जो है मतलब same चीजों के बीच में जब हम test करते हैं किसी extent तक जाकर measurement करते हैं, तो that is a internal reliability. External में हम different वेरिएबल्स के बीच में, डिफरेंट डोमेन्स के बीच में बार बार टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल रिलायबिलिटी हो गया. इसमें इंटरनल रिलायबिलिटी का जो है फर्स्ट मेथड यूज करते हैं. इसका एक मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड. स्प्लिट हाफ मेथड मेजर द एक्सटेंस टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ द टेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली to what is being measured. इसमें जो है जो भी हम किसी टेस्ट के जो डिफरेंट कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज करिए उसके ऐसे करके फोर पार्ट्स हैं. ओके, फोर पार्ट्स हैं, तो ये जो अगर हमने इसके जितने भी पार्ट्स करे, ये सारे जो डोमेन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो इक्वली मेजरमेंट में वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए, नहीं तो हमारा टेस्ट जो है वो रिलायबिलिटी शो नहीं करेगा. स्प्लिट हाफ मीन्स उसको जो है इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और हर पार्ट का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो है मेजरमेंट जब हम करते हैं उस टेस्ट में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए. गॉट इट? नाउ एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का जो फर्स्ट टेस्ट है, दैट इज टेस्ट रीटेस्ट. टेस्ट रीटेस्ट मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट ओवर टाइम. मीन्स जब ये बार बार हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि नाम जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि तब तक हम टेस्ट करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्वाइस टाइम, ट्वाइस या फिर थ्राइस, जब तक कि जो है हमें उस टेस्ट की जो है स्टेबिलिटी ना मिल जाए, जब तक कि हमें जो है रिलायबल रिजल्ट ना मिले, कंसिस्टेंसी ना शो करे वो मेजरमेंट, तब तक जो है हम टेस्ट रीसेट वाला मेथड जो है वो अप्लाई करते रहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज इंटररेटर. इंटररेटर मीन्स डिफरेंट चीजों के बीच में, टू द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स ऑफ द सेम बिहेवियर. जब हम सेम बिहेवियर के जो है लोगों के सॉरी सेम बिहेवियर के कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं सेम नेचर का, जो एक जैसा रिजल्ट शो करते हैं, तो हम उनके बीच में जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी, उनके जो क्या एस्टिमेट शो करती है, ये हम तब तक टेस्ट करते रहते हैं जब तक कि हमें
रिलायबिलिटी जो है वो एग्जैक्टली और एक्यूरेट ना मिल जाए. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द वैलिडिटी. वैलिडिटी फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडिटी. वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च. एक्यूरेसी मीन्स नो बायसनेस, जहां पे कोई भी बायसनेस शो ना करे टेस्ट में, मेजरमेंट में, और एक्यूरेट रिजल्ट आए तो वो उसकी वैलिडिटी कहलाती है. ओके, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर. वैलिडिटी क्या होता है? टेस्ट का वो मेजरमेंट हम उस एक्सटेंट तक करते रहते हैं जब तक कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि मेजर करने के बाद जो है वो वैलिडिटी, उसकी सत्यता जो है वो प्रमाणित नहीं हो जाती, एक्यूरेसी तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हम वो टेस्ट जो है पर्टिकुलर वैलिडिटी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता है. राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी इज रेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 पॉइंट्स. जो वैलिडिटी का क्वेश्चन उठता है किसी भी टेस्ट के टाइम पे, तो वो किन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड होता है. फर्स्ट इज द फॉर्म ऑफ द टेस्ट. ओके, किस तरह का टेस्ट हम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट, किस पर्पस के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं. एंड द लास्ट इज द पॉपुलेशन फॉर हुम इट इज इंटेंटेड, और जो किस पॉपुलेशन पर, किस तरह के लोगों पर, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स पर जो है हम उस टेस्ट को करने जा रहे हैं. फॉर हुम इट इज इंटेंटेड, जिन पर ये टेस्ट होना है. ओके, तो एक्यूरेसी क्या होती है? बेसिकली वो हमारी वैलिडिटी होती है. वैलिडिटी मीन्स नो बायसनेस, एक्यूरेट रिजल्ट. वैलिडिटी तब तक शो नहीं होती जब तक कि हम जो है एक परफेक्ट एक्यूरेट जो है अपने रिजल्ट पर, अपने एक डिफरेंट डोमेन्स को मेजर करने के बाद एक्यूरेट रिजल्ट ना पा लें, तब तक हम किसी भी टेस्ट को वैलिड नहीं कह सकते. ओके, और उसकी 3 चीजें और जो उसकी क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, फॉर्म ऑफ द टेस्ट, पर्पस ऑफ द टेस्ट एंड पॉपुलेशन ऑफ द टेस्ट. राइट, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. Types of validity is also, it is of 2 types, content related and criterion related. First we will see content related, means appropriate content. Okay, इसे और easy हम समझते हैं. Like content validity जो है ये तब तक, it मतलब adequately it covers all the content that it should with respect to the variable. Means it should cover entire domain related to variable. Okay, जो भी हम content, जो भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं जिस पर्टिकुलर चीज पर, वो जो है कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए, और किससे, जिस वेरिएबल को लेकर हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड? क्राइटेरियन सॉरी कंटेंट रिलेटेड के हम देख लेते हैं. सबसे पहले इट हैज ऑल्सो 2 टाइप्स, फेस वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी से यहाँ पे मतलब है अपीयरेंस वैलिडिटी. ओके, कि वो टेस्ट जो है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डज द टेस्ट अपीयर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू. मतलब जो भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी हमें एम्स या ऑब्जेक्टिव्स उनसे मिलने हैं, क्या वो उसकी अपीयरेंस वैसी है, क्या वो उस पर खरा उतर रहा है, कि हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो उससे कोरिलेट कर रहा है. ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए और इजी लैंग्वेज में इसमें समझाती हूँ. इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट आस्क्ड देयर ओपिनियन अबाउट वेदर द इंस्ट्रूमेंट मेजर द कॉन्सेप्ट इंटेंटेड. अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पर रिसर्च कर रहा है, तो एक्सपर्ट ये पूछता है, ये ओपिनियन रिसर्चर से पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट का जो मेजर वो कर रहा है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है जो उस टेस्ट से रिलेटेड है. ओके, तो यहां पर फेस वैलिडिटी से मतलब मींस है कि जो भी हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए फुलफिल उसको कर रहा है या नहीं. राइट, इसको लेट्स टेक द एग्जांपल. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूं. सपोज ऐसे समझ लीजिए कि एक मैथमेटिक्स का टीचर है, उसने एक मतलब दैट मींस पूरे होल ईयर के सेमेस्टर में, उसे एंड ऑफ द सेमेस्टर एक एलजेब्रा का टेस्ट अपने क्लास में परफॉर्म किया. ओके, अब जो वो एलजेब्रा का जो उसने जो भी पढ़ाया होगा क्लास में, तो जितना जो भी द टेस्ट शुड कवर एवरी फॉर्म ऑफ एलजेब्रा दैट वाज टॉट इन द क्लास. उसने एलजेब्रा के हर पोर्शन को क्लास में कवर किया होगा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. इफ सम टाइप्स आर लेफ्ट आउट, अगर कुछ पार्ट एलजेब्रा का उस किसी चैप्टर का अगर रह गया है, छूट गया है, कुछ चैप्टर्स जो है वो लेफ्ट आउट हो गए,
तो रिजल्ट्स में नॉट बी एक्यूरेट विच इंडिकेट्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. जो मतलब अगर कोई भी पार्ट अगर अलजेब्रा का या किसी भी सब्जेक्ट का छूट गया है तो वो स्टूडेंट्स की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट काइंड ऑफ कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. डज द टेस्ट रिलेट टू अंडरलाइन एग्जिस्टिंग सिमिलर थ्योरिटिकल मेजर और नॉट. तो यहाँ पे ये जो है जो भी हम टेस्ट करते हैं वो ये देखते हैं कि जो भी हम टेस्ट के जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसको हम कोरिलेट करते हैं जो पहले से ही किसी थ्योरिटिकल फॉर्म में दिया हुआ है उससे हम चेक करते हैं कि अभी जो हम मेजरमेंट हमारा आया है जो टेस्ट आया है वो एग्जिस्टिंग जो थ्योरेटिकल बेसिस के फॉर्म में जो रिजल्ट अवेलेबल था उससे कोरिलेट करता है या नहीं, सिमिलर है या नहीं. ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यू कैन से इट रिफर्स टू वेदर यू कैन ड्रॉ इन्फेरेंसेस अबाउट टेस्ट स्कोर रिलेटेड टू कंसेप्ट बींग स्टडी. जो भी कंसेप्ट पढ़ाया गया है और जो टेस्ट स्कोर आपका आया है बच्चों का उसको हम कोरिलेट करते हैं जो पहले से ही एक टेस्ट स्कोर का स्केल फिक्स होता है उससे हम देखते हैं कि किसी बच्चे के A+ आए हैं तो दैट मींस 90 से 100 के बीच में आए हैं, A+2 आए हैं तो वो किस स्केल पर जो है उसका जो नंबर मार्क्स आए हैं जो उसकी ग्रेडिंग है वो किस बेसिस पर जो है हम उसको मेजर करते हैं. ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए. जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. इफ पर्सन हैज हाई स्कोर ऑन सर्वे, एक सर्वे किसी पर्सन का किया गया जिसमें ये आया कि उसका हाई स्कोर आता है एंजाइटी का. अगर उसका एंजाइटी का टेस्ट किया गया तो ये पता चलता है कि उसका एंजाइटी का जो स्कोर है वो हाई एंजाइटी शो कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, डज दिस पर्सन ट्रूली हैव दैट डिग्री ऑफ एंजाइटी. क्या वाकई उसकी ये डिग्री ऑफ एंजाइटी जो है ये जो टेस्ट के आई है क्या वो इतना ही परेशान रहता है. एक जो मेजरमेंट आया है उसको हम कैसे चेक करेंगे, जो एक एंजाइटी स्कोर होगा उससे हम उसको मैच करके देखेंगे कि उसकी एंजाइटी वाकई जो टेस्ट स्कोर में आई है और जो एक स्केल फिक्स्ड है उससे रिलेट करती है या नहीं. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ द वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी इट शोज द रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स. ओके, ये क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेशनशिप टू अदर मेजर्स. अगर हम क्या कहते हैं कोई टेस्ट कर रहे हैं तो इसको किसी दूसरे वेरिएबल से किसी दूसरे मेजर जो भी टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं बनाए जा चुके हैं उनसे मेजर करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं उनको. ओके, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी, डज द टेस्ट रिलेट टू एन एग्जिस्टिंग सिमिलर मेजर. देखिए इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें भी हम कोरिलेशन करते. कॉन्करेंट मीन्स जो फ्यूचर में हो, जो इस समय करेंटली मीन्स जो लेटेस्ट हो, सॉरी, है ना. तो जो भी हम टेस्ट इस समय कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट पहले से कर रहा है उससे उसके मेजरमेंट से क्या इसका रिलेशन है. फिर हम जो है नेक्स्ट और स्टेप्स और मेजरमेंट करते हैं और उसकी वैलिडिटी जो है एक्यूरेट लाने की कोशिश करते हैं. ओके, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ. किसी पर्सन का मैंने ये एंजाइटी टेस्ट किया. ओके, एंजाइटी टेस्ट किया तो वो जो है नेगेटिव आता है. नेगेटिव क्यों आता है, नेगेटिविटी क्या शो कर रही है कि जब वो स्कूल एग्जाम का परफॉर्मेंस होता है तब उसका जो है वो टेस्ट जो है एंजाइटी टेस्ट वो नेगेटिव आता है. ओके, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. किसी स्टूडेंट का हम एंजाइटी टेस्ट करवाते हैं और वो हर एवरी टाइम वो निगेटिव आ रहा है. कब आता है, जब और निगेटिव आता है तो वो किस पर अफेक्ट करता है, उसके स्कूल एग्जाम परफॉर्मेंस पे. तो ये क्या हो गया, एक पीस ऑफ एविडेंस हमारे पास है कि भाई जो निगेटिविटी जो टेस्ट उसका निगेटिव आ रहा है उसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है स्कूल एग्जाम के टाइम पर. लेकिन अगर हम दूसरे स्टूडेंट्स का देखते हैं और उनका भी एंजाइटी टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उनका भी टेस्ट स्कोर नेगेटिव ही आ रहा है. ओके, बट दे परफॉर्म वेल इन एग्जाम. तो यहाँ पे क्या हो गया, वैलिडिटी पर हमारे क्वेश्चन मार्क हो गया. दैट मीन्स रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट, वैलिडिटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है. ओके, एक्यूरेट नहीं है. तो क्यों, क्योंकि अगर किसी का एंजाइटी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो वो स्टूडेंट भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, और कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है उसका हमारा वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया. अभी रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट में नहीं है. ओके,
Then come to the predictive validity. Predictive, it's very simple. Does the test predict later performance on related criterion? तो जो भी टेस्ट अभी हम ले रहे हैं उसका आगे चलकर उसका आगे जो फ्यूचर में जो भी होगा उसका लेटर उस टेस्ट का रिजल्ट का क्या परफॉर्मेंस पर उसका असर पड़ेगा, है ना. जो अभी जो हमने टेस्ट लिए हैं उसका क्या कोरिलेशन होगा, फर्दर जो उसका इवेल्युएशन होगा, जो टेस्ट होंगे उससे उनका क्या रिलेशन होगा या वो कैसे उसको अफेक्ट करेंगे, दैट इज अ प्रेडिक्टिव वैलिडिटी. मींस फिर जो है उसकी जो फाइनल रिजल्ट की वैलिडिटी आएगी वो एक्यूरेट होगी या नहीं. आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर टू यू ऑल. प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.